लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गोकुल पुरस्कार का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मान वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश दूध उत्पाद के लिए जाना जाता है और सबसे आगे भी है। इस उत्पादन को और बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। दुग्ध विकास विभाग द्वारा प्राग ब्रांड के दुग्ध में विटामिन ए और डी को फोर्टिफिकेशन को प्रारंभ भी किया गया है। आपके सामने यह कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। साथ ही साथ यहां पर बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादक जो किसान हैं उन सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। मैं सूची देख रहा था, लगभग प्रदेश के ऐसे प्रगतिशील 73 दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम विभाग के द्वारा यहां पर रखा गया है। साथ ही किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। इसके लिए अनेक अभियान चल रहे हैं, कार्यक्रम अनेक प्रकार के चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जिसमें जिसकी सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है उसमें दुग्ध उत्पादन से लगे हुए जो भी हमारे किसान भाई हैं उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आपको बता दें कि गोकुल पुरस्कार 2001 से शुरू हुआ है और हर साल सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वालों को सम्मानित किया जाता है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।